तरफ स्टार्ट करें। एक सिंपल हमें सोर्स ऑफ ईएमएफ प्रोवाइड किया गया है एंड वी आर प्रोवाइडेड विद द प्योर रेजिस्टर प्योर इंडक्टर टू आइडेंटिकल बल्ब्स आर देयर एंड वन गैप फॉर द की हैज बीन प्लेस्ड। बेटा आप जैसे ही की को इंसर्ट करते हो आपका सर्किट बेटे जो है दैट विल गेट कंप्लीटेड एंड व्हेन द सर्किट विल बी गेटिंग कंप्लीटेड इमेजिन आपका करंट आई फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और ये करंट फर्दर इट इज फाइंडिंग द टू ब्रांचेस इन विच इट कैन ट्रेवल। आप इस प्योर रेजिस्टर की अगर बात करोगे तो प्योर रेजिस्टर आपने जैसे कल बात की थी इंडक्टर आपके करंट की ग्रोथ को भी डिले करता है और करंट के डिके को भी डिले करता है लेकिन आपका प्योर रेजिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं करता। और आई मीन टू से दैट द इलेक्ट्रिक बल्ब इट विल बी द कनेक्ट द बल्ब कनेक्टेड टू द प्योर रेजिस्टेंस इट विल ग्लो इमीडिएटली। एंड अगर मैं बात करूं बेटे इस वाले बल्ब की तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है इट विल मेक द इंडक्टर विल डिले द ग्रोथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये बल्ब आपका पहले डिम होगा फिर थोड़ा और ब्राइट देन और ब्राइट एंड देन इट विल बी फुली ब्राइट बेटा। सो इन दिस वे बेटा इसकी जो ब्राइटनेस है ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेगी। सो इन पर्टिकुलर दिस एक्टिविटी वी कैन डिमोन्स्ट्रेट दैट बेटा आप जैसे जैसे इंडक्टर की बात करोगे इंडक्टर में से करंट पास करवाओगे आपका इंडक्टर जो है वो उस केस में बेटा इमीडिएटली इस बल्ब को फुल ग्लो नहीं करने देगा इट विल गेट डिलेड। एंड द सेम इज ट्रू व्हेन यू विल बी स्विचिंग ऑफ द सर्किट बाय टेकिंग आउट द की प्लगिंग आउट द की। आपने की को प्लग आउट किया आपका ये जो बल्ब है इट विल इमीडिएटली बी स्विच्ड ऑफ लेकिन ये बल्ब जो है ये पहले फुल ग्लो कर रहा था देन इट विल बी लिटिल बिट डिम देन और डिम देन और डिम देन इट विल डिप टू द जीरो ब्राइटनेस बेटा। सो इन दिस वे बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल एक्टिविटी आप अपने इस इफेक्ट को बेटे डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हो सेल्फ इंडक्शन के इफेक्ट को डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। तो कोई बात डियर चिल्ड्रन नहीं पता चली तो जरूर बताइए अदरवाइज फिर आगे चले बेटा। ओके बेटा नाइस। इसके बाद हमारे पास बेटे बात आ जाती है सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है बेटा सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। एक सोलिनॉइड आपको बेटे प्रोवाइड किया गया है आपने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन रिलेटेड टू द सोलिनॉइड वर्कआउट करना है एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। आइए जरा बेटा फोकस करके देखें कंसेंट्रेट करें। इमेजिन कर लीजिए ये आपका सोलिनॉइड है और सोलिनॉइड इट हैज गॉट ए लेंथ बेटा से स्मॉल एल बेटा और आपके सोलिनॉइड के साथ आपने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ अटैच कर रखा है आपने एक की भी अटैच कर रखा है। लेट स्मॉल एन इट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जैसे हम की आई करते हैं एंड इमेजिन कर लीजिए आई आपका करंट फ्लो हो रहा है इसमें से और इसमें एक बात नोट करने वाली है कि ये एरिया क्रॉस सेक्शन जो है इतने पार्ट का लेट इट बी कैपिटल ए बेटा। लेट मी वंस अगेन इंट्रोड्यूस ऑल द पैरामीटर्स बेटा। स्मॉल एन जो है इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बेटा। सेकेंडली आपको दिया गया है आई इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। स्मॉल एल इट इज द लेंथ ऑफ द सोलिनोइड एंड कैपिटल ए इट इज बिटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलिनोइड। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड जो है जो आपका बेटे बी है
इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इन टू एन इन टू आई, आपने ऑलरेडी कर रखा है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन साइड द सोलिनॉइड इस रीजन में, सेंट्रल रीजन में बेटा. अब आप अगर वन टर्न के साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लें, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न, इट इज इक्वल टू बेटे यूर बी इंटू ए कर दोगे आप, फ्लक्स आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर ही होता है ना बेटा. सो आपने उसको कर दिया बेटा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए. बेटा आप टोटल फ्लक्स अगर निकालना चाहें तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी बेटा अभिषेक, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है इसमें? एन तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. अरे लेंथ आपके पास है एन इंटू एल, घबराते क्यों? एन इंटू एल हो गया, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को बेटे मैं ऐसे बड़े फाइव से डिनोट कर दूं, इट विल बी इक्वल टू फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट एन आई ए इंटू एन एल कर देते हैं, राइट बेटा. और ये फिर आपको बेटे देखिए क्या मैं ये रब कर दूं ये वाला पार्ट, यू माइट बी गेटिंग दैट आपका जो फ्लक्स है फाई जो है म्यू नॉट ऐसे ही है एन का स्क्वायर इंटू एल इंटू ए इंटू आई, एंड लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन, राइट. आप कल डिस्कस कर रहे थे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है दिस इज आल्सो इक्वल टू बेटे एल इंटू आई बेटा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू. दोनों तरफ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, आप कंपेयर कर देंगे अगर एल इंटू आई म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई के बराबर आ गया, तो आई से आई आपका गेटिंग कैंसल्ड एंड कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन म्यू नॉट स्मॉल एन का स्क्वायर इंटू एल इंटू ए ये बन गया. कई बार आपको जरूरत पड़ सकती है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की भी, आप स्मॉल एन को कैपिटल एन बाई एल लिख सकते हो, ये आपकी टोटल टर्न्स है ना बेटा एन के बराबर. तो स्मॉल एन कितना हुआ? बड़े वाला एन डिवाइडेड बाई छोटे वाला एल. ऐसा है अभिषेक? अरे बोला कर भाई. सो ये आपके पास आ गया म्यू नॉट एन का स्क्वायर एल का स्क्वायर इंटू एल इंटू ए, एक एल कट जाएगा. अगर जरूरत पड़े न्यूमेरिकल्स में तो आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट बड़े वाले एन का स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, दिस इज जस्ट एन अदर फॉर्म ऑफ द कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन द केस ऑफ ए लॉन्ग 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 सॉलिनॉइड, राइट. देखो पुत्र इसमें कोई डाउट वाली बात लग रही है तो बताइए मुझे. ये एक टर्न के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक था, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया ये टोटल फ्लक्स आ गया, ठीक है बेटा. इसकी सिंगल टर्न के साथ हमने पहले निकाला था ना ये, ओके बेटा ओके नाइस. चलिए जी आगे तनवीर, लेट अस प्रोसीड फर्दर विद इसके. हाँ 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 वो तो हो गया. आप इसके बाद हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, आइए पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं. एनर्जी स्टोर्ड क्या हेनरी? वो तो यूनिटी है ना आपका सेल्फ इंडक्शन का, वो तो बता देता हूँ आपको. वो भी म्यूचुअल भी करेंगे बेटे, सारा करेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो.
आइए बात करें, इधर हमारे पास नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अच्छा मुझे बताइए इंडक्टर में बेटा कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, इंडक्टर में किस टाइप की एनर्जी स्टोर्ड होती है तनवीर बेटा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या कोई और? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपके देखो सुनो पुत्र, ये आपका देखो इंडक्टर है, जरा ध्यान दीजिएगा। नहीं नहीं ऐसे मत बोलो आप, ये इंडक्टर है, इंडक्टर में आपने ये नेसेसरी सर्किट अरेंजमेंट्स कर दिए इसके साथ रिलेटेड, ये की वगैरह आपने डाल दिया, इसके सेंटर पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप होता, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही होगा, तो एनर्जी भी मैग्नेटिक ही होगी। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह रहे हो, चलो ठीक है ठीक है, कॉन्फिडेंस रखा करो ना। फिर आपने जब इसको इलेक्ट्रिक करंट आई दिया, आपके बेटा इंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि ये ग्रोथ ऑफ द करंट और डिके ऑफ द करंट इज डिलेड बाय दिस पर्टिकुलर इंडक्टर। इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन अगर एल हो, राइट अब देखिए इसके पास ऐसी कौन सी ताकत है कि ये करंट की ग्रोथ को रोकेगा, इसके पास कुछ है ऐसा? है, इसमें एक बैक ईएमएफ डेवलप होता है और वो जो, हाँ जी बेटे ऑन किया हुआ है हमने, आपने जब करंट पास करवाया तो ये आपका अप्लाइड ईएमएफ है इस डायरेक्शन में, एंड आपका एक अपोजिंग ईएमएफ जो इस डायरेक्शन में होगा दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा, राइट अब अगर आप चाहते हैं कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्किट में मेंटेन्ड रहे, आपको कम से कम इस ईएमएफ के बराबर बाहर सोर्स से ईएमएफ अप्लाई करनी पड़ेगी। I mean to say that your applied EMF will be negative of this value of this back EMF. इतना होना चाहिए तभी आप maintain कर पाओगे. This is equal to negative of minus L di by dt. It is L di by dt. ऐसा है पुत्र. अब और ध्यान दीजिएगा. आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि अगर आप एक चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो किसी सर्किट में तो जो वर्क डन है डी डब्ल्यू दैट इज बेटा वर्क डन, ये बेटा आपका वी इंटू डी टी, लेट मी री राइट दिस बेटा, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की हुई है बिल्कुल बिगिनिंग में, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ये किया था ना हमने, और अगर मैं B को E लिखूं, वर्क डन को स्मॉल वर्क डन DW लिखूं, तब जब आपने छोटा सा चार्ज BQ ट्रांसफर किया, आपने क्या दिया, छोटा सा चार्ज BQ ट्रांसफर किया, आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, कितना होगा वो वर्क, दैट विल बी E into DQ हो जाएगा बेटा। सो बेटा जब आप अपने सर्किट में ये सोर्स ऑफ ईएमएफ को कनेक्ट कर देते हो, आपको डीक्यू चार्ज को इस सर्किट में भेजने के लिए डीडब्ल्यू के बराबर वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू ई इनटू डीक्यू, राइट, ये ई का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहां पे, आई विल हैव दिस डीडब्ल्यू टू बी इक्वल टू एल डीआई बाय डीटी इनटू डीक्यू कर दूं, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं, it can also be rearranged in this manner that dw it is equal to l di dq by dt, tanveer dq by dt kahin dekha dekha lagta hai, what is this equal to, electric current rate of flow of charge current hi hoga aapka, so dw will be equal to l
एंड डी आई लेट इट बी आई, डी डब्ल्यू विल बी एल आई डी आई, ये चीज आ गई बेटा। आपको देखो बेटा थोड़ा चार्ज ट्रांसफर नहीं करना, आपको तो होल चार्ज को ट्रांसफर करना है सर्किट में, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यू नीड कंप्लीट वर्क डन, इट विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस डी डब्ल्यू एंड इट विल बी इंटीग्रल एल आई डी आई, और करंट की मिनिमम वैल्यू जीरो, पीक वैल्यू को मैं आई नॉट कह देता हूं बेटा, राइट। सो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू वन बाई टू, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, एल दिस इज आई स्केयर बाई टू, जीरो टू आई नॉट कर दू लिमिट्स। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स एंड गेट इट वर्कड आउट। आई मस्ट बी हैविंग विद मी दैट दिस वर्क डन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इज इक्वल टू वन बाई टू एल एंड आई नॉट का स्केयर। आपको याद होगा हमने पहले चैप्टर में कैपेसिटर्स वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1 बाई 2 सी ई स्क्वायर के बराबर निकाला था, याद है। और आपको यह भी याद होगा हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी भी निकाली थी कैपेसिटर की, यू रिमेंबर दैट एक्सप्रेशन और नहीं? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी भूल गए, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर नहीं किया था? देखो बेटा कैपेसिटर में आपकी एनर्जी थी 1 बाई टू सी वी स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी को आपने यू ई बार लिखा था, इट वाज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सेम इंडक्टर में एनर्जी आ गई, अब इंडक्टर की एनर्जी डेंसिटी बहुत बार पूछते हैं पेपर में, वो कहेंगे कि इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई पड़ी है उसकी एनर्जी की डेंसिटी निकाल दीजिए। आइए इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा, हाँ जी बेटे, ये वाला बेटा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने ई के बराबर लिया, छोटा सा चार्ज डी क्यू ट्रांसफर किया, आपको थोड़ा ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। डी क्यू को मैं इधर ले गया, डी डब्ल्यू इज ई डी क्यू, और ये डी डब्ल्यू को मैंने ई की जगह पर बेटे अब आपका वैल्यू पुट कर दिया, ये वाला इट इज एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू हो गया। अब ये डी क्यू बाई डी टी को मैंने क्लब कर लिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया, एल आई डी आई आ गया, इंटीग्रेट कर दिया, हाफ एल आई नॉट का स्केयर आपको बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल गई। नाउ लेट अस फोकस अपॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, आइए बेटे देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट। अभिषेक यू वॉन्ट टू से समथिंग, बोलो बेटा। हाँ लेट अस हैव इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के कंपैरेटिवली बेटा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए ऑफ एन इंडक्टर, इंडक्टर में कितनी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी स्टोर होगी बेटा, आइए देखें, यू बी बार से डिनोट करोगे आप इसको, इट विल बी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर। ऐसी बात है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो बेटा, एनर्जी ई आपकी जो है इट इज इक्वल टू वन बाई टू एल आई नॉट का स्क्वायर, इसमें मैं एल की और आई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। आपने प्रेजेंटली अभी अभी रादर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलिनॉइड निकाला था, एल दैट वाज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर
इंटू ए इंटू एल यही था, जरा चेक करिए अभी अभी आप कर रहे थे चेक इट आउट की यही था कि कुछ और है, पक्की बात है? ओके। और आप एक इंडक्टर की जब बात करते हो तो तनवीर इंडक्टर के सेंटर पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो जाया करता है सोलेनोइड के सेंटर पे? बी, सोलेनोइड के इंटीरियर में करंट के पैसेज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? इट इज म्यू नॉट एन आई। गुड। सो बी आप जानते हैं म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर हुआ करता है। जब आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तो आपका आई नॉट हो जाएगा यहां बी नॉट, या बी आप रहने दीजिए, इट विल बी देयर। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई नॉट जो होगा आपका इट विल बी बी, बट और बी बड़े वाला आपने डाल दिया, म्यू नॉट और एन आपका एस एच आ गया, राइट? आई नॉट यू हैव कैलकुलेटेड, एल यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मैग्नेटिक एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक वर्ड बार बार याद आ रहा है, इट इज म्यू नॉट एन स्केयर ए इंटू एल। आई का स्केयर आपको करना पड़ेगा, आई कितना है बी अपॉन म्यू नॉट इंटू एन, इसका स्केयर कर दूं मैं। देखो बच्चों, इज इट क्लियर? बोलो पुत्र, ठीक है? इसको स्केयर को कंप्लीट कर लेते हैं, लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। आप हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हो। ओके, सो वी विल बी हैविंग दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हमें चाहिए। अभिषेक, इसका वॉल्यूम कितना होगा? अब आपका नाम याद है तो पूछेंगे ही आप। गुड़िया, इसका वॉल्यूम कितना होगा इस इंडक्टर का? नंबर ऑफ, अरे नहीं, आप फार्मूले में चले गए हैं, एन इन टू वो क्या बना, वो तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बन गई। ध्यान दो, ध्यान दो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है कि नहीं है? तो वॉल्यूम कितना हुआ, लेंथ इनटू एरिया हो गया, तो यही चाहिए। सो इसमें वैल्यूज पुट कर दो सारी, आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा, इट वाज 1/2 म्यू नॉट एन का स्केयर ए इंटू एल, ये स्केयर भी कंप्लीट कर रहा हूं, बी का स्केयर म्यू नॉट का स्केयर एन का स्केयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को ए एल लिख दो, लिख देना चाहिए, ए एल से ए एल कट गया, एक म्यू नॉट खत्म हो गया, एन का स्केयर गेटिंग कैंसल्ड, व्हाट वी आर लेफ्ट विद म्यू, सॉरी यू बी बार, इट इज 1/2 बी का स्केयर अपॉन म्यू नॉट। इस फॉर्मूला को याद रखिए, ये आपकी काफी हेल्प करेगा व्हेन यू विल बी नीडिंग इट फॉर द न्यूमेरिकल्स। बेटा आइए मैं एक बार रिपीट कर दूं, बेटा जब आप मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करोगे, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन टेक द हेल्प ऑफ ए प्योर इंडक्टर, इनसाइड द इंडक्टर वी कैन कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड, एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड वाज हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, एल वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर द केस ऑफ ए प्योर इंडक्टर,
एंड दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू ए इनटू एल, और आई नॉट आपने बेटे यहां से निकाल लिया, दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, कोई मुश्किल बात नहीं, फिजिक्स बहुत आसान है अगर आप रेगुलर है, राइट ठीक। अब जरा कंपेयर कर दूं आपको कैपेसिटर और इंडक्टर का सारा सेटअप। कैपेसिटर में आपके पास एनर्जी स्टोर्ड था 1/2 CV² इंडक्टर में इट इज 1/2 LI0² कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी ये था 1/2 εo² यहां पे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी B² / 2 μ0 ये फॉर्मूलाज आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, ये दोनों ही आपके कंपैरेटिव स्टडी में काम आएंगे, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, वी आर टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल राइट। चलिए आगे चलें थोड़ा सा, हाँ थोड़ा हेडिंग तो लिख लें याद आ जाता है ना कि हमने कहां से स्टार्ट करना है, आप नोट कर लीजिए, ये कोई बात नहीं, घबराया मत करो। अब ये अभिषेक घबरा जाता है, ये एक मिनट पहले ही ब्रेक लगा लेता है। चलिए बेटे चलिए थोड़ा, आप देखो कभी ऐसा आपने नहीं कहा कि आज 2 मिनट ज्यादा लगा लेते हैं सर, चलो ठीक है, आई विल वेट वेट फॉर दैट। देन नेक्स्ट आपके पास है म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ जी, म्यूचुअल इंडक्शन का थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं, कल कर लेंगे, लिख लेंगे कल। आपके पास दो कॉइल्स हैं, एक आपका प्राइमरी कॉइल कहलाएगा, एक आपका सेकेंडरी कॉइल कहलाएगा। अगर आप प्राइमरी कॉइल में करंट वेरी कर देते हो समथिंग लाइक दिस बेटा, ये आपका प्राइमरी कॉइल आपने कह दिया और ये आपका सोर्स ऑफ ईएमएफ एसी सोर्स मैंने अटैच किया, एंड ये आपका सेकेंडरी कॉइल है। जब आप यहां एसी अप्लाई करोगे इसमें से फ्लक्स वेरी करेगा, ये बिल्कुल इसके नजदीक है, इसमें फ्लक्स वेरी करेगा, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटा आपका इसके अक्रॉस जो है बेटा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। फर्क क्या है, आप जब सोलिनोइड की बात कर रहे थे, सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे थे, सेम ही क्वाइल में बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा था, यहां पे अगर आप एक क्वाइल में करंट वेरी करोगे दूसरे में करंट का इंडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा फ्लक्स की वेरिएशन की वजह से बेटा। सो इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोल देते हैं, दैट व्हेन वी विल बी वेरिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द नेबरिंग कॉइल देन आवर इलेक्ट्रिक करंट दैट विल गेट जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल, या आप ऐसे कह लीजिए इलेक्ट्रिक करंट इन द सेकेंडरी कॉइल आई एस, दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल, इलेक्ट्रिक करंट इन द सेकेंडरी कॉइल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इनटू बेटा आपका फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल, तो समथिंग लाइक दैट आप डिस्कस कर सकते हैं। तो कल फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं बेटा, सो तब तक के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से। सो थैंक यू ऑल बेटा।